वन प्लस नॉट टू टी नाम तो आपने सुना ही होगा गाइज। अच्छा चलिए, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वन प्लस नॉट टू का तो नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। जी हाँ गाइज, वही फ़ोन जिसके काफ़ी सारे ब्लास्ट के केसेस हमें इंडिया में और वर्ल्ड वाइड देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों, जो इस फ़ोन का सक्सेसर आने वाला है वन प्लस नॉट टू टी के नाम से, उसमें ये सारी कमियाँ दोस्तों आपको दूर होती हुई दिखेगी एंड एक नया ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक अंदर की बात यह है कि दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम होंगे। दो ही जगह पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी और बेटर देखने को मिल सकती है वन प्लस नॉट टू से। तो फ़ोन नो डाउट दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खैर चलिए, वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों बात की जाए फ़ोन के लुक और डिज़ाइन की, तो यहाँ पर अभी तक डिज़ाइन के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन होगा जो आपको वन प्लस नोट टू में देखने को मिला था। कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन होगा वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब बात की जाए दोस्तों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर अगेन सेम डिस्प्ले होगी, 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एंड इसके अलावा 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, जो कि वन प्लस नोट टू में भी था और नोट जो पहला था उसमें भी सेम यही डिस्प्ले आपको देखने को मिली थी। ब्राइटनेस वगैरह में यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, वन प्लस के डिस्प्ले जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 90 हर्ट्ज के बजाय 120 हर्ट्ज आपको मिलना चाहिए था रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में, क्योंकि इस टाइम पर 30,000 के अराउंड अगर फ़ोन आप लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें 120 हर्ट्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 90 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले को देखकर यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है कि ये नोट 2 का जो है सक्सेसर है। लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो होगा दोस्तों फ़ोन के परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा डायमंडसिटी 1300 वाला चिपसेट। नोट 2 जो था उसमें था डायमंडसिटी 1200 वाला चिपसेट, इसमें होगा दोस्तों डायमंडसिटी 1300 वाला चिपसेट। दोनों चिपसेट दोस्तों 6 nm पर ही बेस्ड है, लेकिन 1300 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है 1200 के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूजेस में और डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सबसे बड़े चेंजेस की, तो वो होगा दोस्तों इसके फास्ट चार्जिंग में। बैटरी यहाँ पर सेम ही होगी 4500 mAh की, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर 80 वॉट का चार्जर मिलेगा। नोट 2 में था 65 वॉट का, यहाँ पर होगा 80 वॉट का। तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर कैमरास की बात करूँ तो कैमरे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा वो अभी जो वन प्लस 10R लॉन्च हुआ है वही सेटअप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। 50 MP प्राइमरी होगा, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो। लेकिन 50 MP में आपको सोनी का सेंसर भी मिलेगा और OIS का सपोर्ट भी होगा। और ये सेम सेटअप दोस्तों आपको वन प्लस 10R में अभी जो 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है वहाँ पर भी देखने को मिला है। कैमरा वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो शायद इस बार दोस्तों आपको नोट 2 से यहाँ पर आपको अच्छे कैमरे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट साइड में 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा, नोट 2 में भी 32 MP का ही था, यहाँ पर कोई भी अपग्रेड नहीं है। और सेंसर भी दोस्तों शायद वही यूज़ होगा जो वन प्लस नोट 2 में था। अब इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स एग्जैक्टली सेम होंगे, ड्यूल स्पीकर यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन शायद वन प्लस का जो अलर्ट बटन होता है, अलर्ट स्लाइडर बटन, वो यहाँ पर आपको शायद देखने को ना मिले। नोट 2 में तो था, लेकिन यहाँ पर हम लोग होप करेंगे कि वो मिलना चाहिए, क्योंकि 10R जो लॉन्च हुआ है उसमें भी नहीं मिला है, तो शायद इसमें आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर होंगे, 3.5 mm का जैक नहीं होगा और यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही सिम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो वन प्लस नोट 2 में थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी प्राइस, क्योंकि वन प्लस नोट 2 जो था उसकी प्राइस दोस्तों आपको एग्जैक्ट 30,000 देखने को मिली थी, लेकिन शायद इसका सक्सेसर है और यहाँ पर 2 चेंजेस ही आपको मिले हैं, ज़्यादा चेंजेस है भी नहीं, तो हो सकता है कि ये फ़ोन भी हमें एग्जैक्ट 30,000 से ही देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस तो मिलने वाले है नहीं, फास्ट चार्जिंग में है और यहाँ पर चिपसेट में है, और चिपसेट में भी दोस्तों दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो हो सकता है कि दोस्तों ये एग्जैक्ट 30,000 से ही आपको नोट 2T जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी वन प्लस है यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, थोड़ी सी प्राइस आपको 1-2 हज़ार ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। एंड लॉन्च की बात करूँ तो शायद इस महीने के एंड तक ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिल जाए। पहले जो लीक्स आ रही थी वो दोस्तों अप्रैल के एंड तक बोल रही थी, लेकिन अब हो सकता है कि इस महीने के एंड तक ये फ़ोन हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि बीच में 2 फ़ोन वन प्लस के न्यू लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, वन प्लस नोट सी टू लाइट और वन प्लस 10R। तो हो सकता है कि मई के महीने के एंड में या फिर इसके अगले महीने के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है।
खैर इस फ़ोन पर आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको डेली मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।